सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई तगड़ी वाली नींद आई है। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा नींद आएगा गाड़ी में। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं रुका था डिनर के लिए और इसके सामने ही गाड़ी लगा के मैं गाड़ी में ही सो गया था। अभी सुबह के बज रहे कितने, 5। मुझे लगा बाहर से, ये तो अंदर से पूरा, मतलब एसी चालू करना पड़ेगा। गाड़ी पहले चालू करके छोड़ देते भाई, ये जितना भी फॉग बना है ना सब अंदर से है। गियर को हटाओ भैया पहले, गाड़ी थोड़ा चालू करके छोड़ देते 5 मिनट। और भाई बहुत तगड़ा वाला नींद आया था, बहुत तगड़ा वाला गाड़ी में नींद आया था। यहाँ पर ही सोया था मैं, देखो गाड़ी यहाँ पर लगाई थी और सामने ही होटल था तो यहाँ पर अंदर ही मैं सो गया था। अंदर सब कुछ था, मतलब यार कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो पिलो और कंबल सब साथ में लेके आया था, मुझे पता था क्योंकि मैं इस वाले हाईवे पे ना 3-4 बार आ चुका हूँ, मतलब मुंबई टू आजमगढ़ में 3-4 बार जा चुका हूँ कार से। मुझे पता है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह स्टे करने के लिए ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मतलब सिटी के अंदर जाना पड़ता है, मतलब मिलते हैं लेकिन सिटी के अंदर जाना पड़ता है, तो ये मुझे पता था। इसी वजह से मैं सेफ साइड से ये पिलो और कंबल लेके आया था। तो कोई नहीं, बाकी एक्सपेक्ट नहीं था कि गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी नींद आएगी। भाई मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यही होटल था श्रीराम करके, और यहाँ का खाना भाई अल्टीमेट था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाना। देख रहे हो भाई ये जितना फॉग बना है ना सब अंदर से बना है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो ये देख लो यार, यहाँ से मैंने ना मुंबई का लोकेशन सेट किया है, 13 घंटे 28 मिनट दिखा रहे, 750 किलोमीटर दिखा रहे यहाँ से। और यहाँ से इंदौर का जो डिस्टेंस है ना वो करीब है, सॉरी मैंने ये कंबल पढ़ ओढ़ लिया भाई, ठंडी बहुत है इस साइड, बहुत ठंडी बहुत है, तो ये कंबल फिलहाल मैंने ओढ़ के रखा है। और यहाँ से जो इंदौर का डिस्टेंस है ना वो 150 किलोमीटर रहेगा, तो 150 किलोमीटर कवर करने के लिए मुझे लगता है इस समय 1.5 से 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। बाकी ये कांच वगैरह तो साफ़ हो गया है, पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, जितना हुआ उतना हुआ। बोलो गणपति पप्पा मोरिया। भाई रात के समय में ना पूरा रोड खाली है, पूरा रोड खाली है। सुबह रात के मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं और रास्ता पूरा खाली है, तो ऐसे टाइम पे ना रास्ता बहुत अच्छा कवर होता है यार। सुबह सुबह आप जितना निकल लो ना, अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो उतना अच्छा रहता है, रास्ता उतना ही ज़्यादा कवर होता है। तो यार थोड़ी देर चलने के बाद ना मैं वापस से रुक गया हूँ, यहाँ पर एक चाय वाले भैया थे तो यहाँ पर एक चाय पी रहे थे, क्योंकि मेरा गला ना खुल ही नहीं रहा, आवाज़ निकल ही नहीं रही है, तो यहाँ पर एक चाय पी लेते उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। सही जगह है भाई ये। इंदौर कितना दूर है? 150 ना एग्जैक्ट है, 750 किलोमीटर तो महाराष्ट्र है यहाँ से, 150 इंदौर है। चलो भाई यहाँ पर ना चाय पी लिया और दो भैया लोग थे तो उनसे बातें भी कर ली, तो यहाँ पे सही हो गया। अभी यहाँ से फटाफट निकलते, कहीं पे रुकेंगे नहीं अभी। यार टाइम अभी ना 6:30 बजने वाले हैं और अभी भी पूरी तरह से अंधेरा है। अब हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी भाई पूरी तरह से अंधेरा है, पूरी तरह से अंधेरा है। अरे भाई साहब कोई तो पास दे दो, एकदम मिला मिला के चल रहे हैं आपस में यार। यहाँ पे थोड़ा मिला है पास, चलो धन्यवाद आपका। भाई तो अभी जाके ना प्रॉपर उजाला हुआ है, टाइम कितना हो रहा है अभी देखो, 7 बजने वाले हैं, अब जाके थोड़ा सा उजाला हुआ है। और इस साइड का व्यू देखो यार, गजब लग रहा है, गजब। अभी सनराइज हुआ नहीं है और यहाँ पर मैं रुक गया हूँ एक सुसु ब्रेक के लिए रुक गया था। मस्त ये कंबल ओढ़ के मैं बैठा था यहाँ पे, दिख रहा है ये कंबल ओढ़ के बैठा था और मस्त गाने बजाते हुए ना, आपने पीछे वो सुन ही लिया होगा, मस्त गाने बजाते हुए एकदम मस्त चल रहा था। अभी यहाँ पर सुसु ब्रेक के लिए रुका हूँ भाई, एक बार थोड़ा सा हल्का हो लूँ उसके बाद आगे अपन निकलेंगे। चलो भैया तो अपना जो सुसु ब्रेक वाला सिस्टम था ना तो वो सब तो हो गया, अभी यहाँ से मैं निकल गया हूँ इंदौर के लिए। इंदौर यहाँ से है अभी 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर फटाक से अपन पहुँच जाएंगे। भाई सुबह सुबह ड्राइव करने का ना एक अपना अलग ही फ़ैन है, ये कंबल मैं ओढ़ के रखा हूँ क्योंकि मुझे ना ठंडी लग रही है, अभी ठंडी का मौसम भी है तो इस साइड में ठंडी लग रही है। महाराष्ट्र में घुसते ही ठंडी खत्म हो जाती है, महाराष्ट्र में ठंडी वगैरह नहीं होती, नॉर्मल होता है तो वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बाकी यूपी और एमपी में भाई ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है, यूपी में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, एमपी में फिर भी थोड़ा बहुत कम पड़ता है, तो इस वजह से ये कंबल मैं
अपने ऊपर वैसे ओढ़ के रखा हूँ तो थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है। वैसे तो हीटर है गाड़ी में, मैंने ऑलरेडी हीटर चला के रखा है, फिर भी ये कम पड़ रहा है तो ठीक है। तो इस वजह से मैंने कंबल ओढ़ के रखा है। बाकी अभी सुबह के कितने बज गए हैं, 7 बजने वाले हैं भाई, 6:30 बजे जाके ना यहाँ पर उजाला हुआ है। आई थिंक यहाँ से ना MP का बॉर्डर स्टार्ट हुआ है, इस वजह से ये सारे डिवाइडर्स लगा के रखे थे। हाँ, यहाँ से ना MP का बॉर्डर अभी स्टार्ट हुआ भाई। अभी तक मैं UP में ही था, इतना बड़ा UP, और रात में यार ना रास्ता पूरा खाली था, पूरा खाली था। सिर्फ ना थोड़े बहुत ट्रक्स वाले मिल रहे तो मिल रहे थे, बाकी पूरा रास्ता खाली था। ड्राइव करने में एक अलग ही फन आ रहा था यार। और सुबह सुबह 2 घंटे में जो रास्ता कवर हुआ है ना, सही है यार। मतलब मैं होटल पे था तो वहाँ से 150 किलोमीटर था, और मैं 5 बजे निकला था, 2 घंटे में ये इंदौर अपन पहुँच गए। तो यही फायदा है यार सुबह सुबह निकलने का। और ये वाला जो रूट है ना शिवपुरी से लेके इंदौर तक का, भाई अल्टीमेट है यार ये वाला रास्ता। 350 किलोमीटर ना बहुत ज़्यादा सही है यार, बहुत ज़्यादा सही है। आप इसमें रात में चल लो या दिन में चल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, रोड एक नंबर है, तो आप इसको रात को भी कवर कर सकते हैं। और यार सिलेरियो को जितना भगाओ ना उतना भाग रही है, पता नहीं कितना भाग रही है। इसको मैं 120 के ऊपर भी लेके जाता हूँ ना, आराम से चली जाती है भाई। गजब भागती है भाई, गजब भागती है ये गाड़ी, मतलब तगड़ा चल रही है भाई। जिसको सिलेरियो को लेके डाउट रहता ना जिसके मन में, भाई गाड़ी बहुत भागती है, बहुत भागती है, सही भागती है। और यहाँ पे टोल का ना ऑटोमेटिक सिस्टम भाई, कोई नहीं रहता टोल में, देखो खुल गया, तो ये सिस्टम सही है। तो यहाँ पे 99 है क्या जी? चलो चलो, जैसे जैसे घुस रहे MP में, MP है ना जी, महंगा ही होता जा रहा है। 99 ₹100। जो 100 किलोमीटर का पैच मिलेगा ना जिसमें अपन पेट्रोल पे चलेंगे, तो उसमें गाड़ी का एक बार वापस से माइलेज निकालेंगे। पेट्रोल में गाड़ी का माइलेज क्या है, जब मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे था ना, जब मैं मुंबई से आजमगढ़ जा रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, मुझे ये गाड़ी 19.5 का माइलेज निकाल के दी थी। तो इस समय अभी सेकेंड सर्विसिंग हो चुका है गाड़ी का, तो अभी देखते हैं गाड़ी कितना माइलेज निकाल के देती है। तो एक बार ये CNG खत्म हो जाए उसके बाद इसको पेट्रोल पे स्विच करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे गाड़ी पेट्रोल में इस समय सेकेंड सर्विसिंग के बाद कितना माइलेज निकाल के दे रही है। बाकी यहाँ से धुलिया है 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी और CNG में चलेगी, उसके बाद 100 किलोमीटर चलेगी पेट्रोल पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से CNG मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि महाराष्ट्र में एंटर करते ही ना CNG के लिए बहुत लाइन लगाना पड़ता है भाई, बहुत लाइन लगाना पड़ता है। तो मिला ठीक है, नहीं तो अपन कंटिन्यू यहाँ से मुंबई तक पेट्रोल पे जाने वाले हैं। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से अभी पहले धुलिया तो पहुँच जाए। तो भाई ये देख लो महाराष्ट्र चेक पोस्ट है, यहाँ पर ना ट्रक वगैरह का वजन वगैरह होता है, वेट वगैरह वजन होता है, जो भी होता है काटा वगैरह इसको बोलते हैं। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ से अभी हम ना एंटर कर जाएंगे महाराष्ट्र में। और 4-व्हीलर के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये जो दिक्कत होती है ना ये सिर्फ ट्रक्स वगैरह के लिए है कि ज़्यादा लोड तो नहीं है इसमें, उसके लिए रहता है, बाकी कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी है यार, यहाँ पर रुकना तो बनता ही था। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए गाड़ी लगा के थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, है ना। तो यहाँ से भाई धुलिया है 30 किलोमीटर और मुंबई है 400 किलोमीटर, और बीच में ये बहुत बड़ा सा नदी है यार, बहुत बड़ा नदी है और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पर ब्रिज पर रुका दी है। बाकी यही है, लाइट ना थोड़ा अपोजिट साइड से है ना, तो उतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं। तो यार धुलिया क्रॉस कर लिए, यहाँ से जो नासिक का डिस्टेंस है ना वो 150 किलोमीटर है, और यहाँ पर बन रहे थे गरम गरम वड़ा पाव, तो मैं रुक गया हूँ, अब इसको खा के फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। पाव इसके अंदर ही रहता है क्या? पावड़ा बोलते हैं। इसके अंदर ही नहीं डालेंगे वो भी। तो ये भाई कुछ अलग है थोड़ा, ये पावड़ा इसको बोलते हैं, मतलब वड़ा पाव मिक्स करके पूरा पका दिया है,
ये वड़ा पाव नहीं, ये पाव वड़ा है भाई। ये मैं दूसरा खा रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, एक में मेरा मन ही नहीं भरा। ओ भाई, तो यहाँ पे वड़ा पाव नहीं था, पाव वड़ा था। इसको पाव वड़ा बोलते हैं, मतलब वो उसमें मसाला भर के उसको ना बेसन में तल के उसको फिर पाव वड़ा का नाम दे दिया। लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैंने चाय पिया, तो अब भाई मेरा, मैंने दो पाव वड़ा खाया है, पहले एक ही खाने वाला था, बट इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं रहा नहीं गया, मेरे से मतलब मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं एक और खा लिया, दो खा लिया। अभी मेरा पेट फुल हो गया, फिर उसके बाद मैंने चाय पी ली। अभी यहाँ से निकलते भैया धुलिया, यहाँ से 30 किलोमीटर, इसके बाद यहाँ से जो नासिक है वो 150 किलोमीटर है, उसके बाद जो मुंबई है वो है 350 किलोमीटर। तो अभी फटाफट निकलते हैं और रास्ता थोड़ा सा कवर करते हैं, है ना। तो भाई आजमगढ़ से यहाँ तक आ गया, मतलब 1400 किलोमीटर आ गया रहूँगा यहाँ तक। ये मालेगांव का घाट है, मतलब नासिक से पहले ही थोड़ा सा ये घाट लगता है। अब यहाँ जाके थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है, ये पहला ट्रैफिक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, मैंने मैप में देखा तो थोड़ा सा ही है, बट लग गया टाइम, मतलब 15-20 मिनट तो लग गए हैं। इधर से भी ना ट्रैफिक नहीं होता, आगे जो ट्रक जा रही है ना भाई, ये चढ़ ही नहीं पा रही है ट्रक, इस वजह से ये गाड़ियाँ स्लो हो गई हैं, लोडेड है ना ट्रक, इस वजह से वो चढ़ नहीं पा रही, इस वजह से ट्रैफिक। अब ये वाला लेन ना स्टार्टिंग में बंद करके रखा था, बट अभी खोल दिया, लेकिन हम लोग फंस गए इधर, तो वही है। अब इधर से कट मारने के लिए कुछ है भी नहीं, अगर कट मारने के लिए होता तो यहीं से चला लेते उस तरफ। हाँ भाई, अभी से आके ना प्रॉपर महाराष्ट्र वाली वाइब आ रही है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़। अब जाके प्रॉपर लग रहा है कि हाँ भाई, अपन आप ही महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं और अपना मुंबई पास में आने वाला। मतलब भाई घर पे जाने की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। अब यहाँ पर भी हमारा घर है, गांव में भी है, तो दोनों जगह पर जाने की खुशी अलग होती है। बाकी नज़ारे देखो यार, चालू हो गए अच्छे अच्छे व्यूज ना दिखने चालू हो गए, दिख रहे हैं क्या, तगड़ा लग रहा है यार, तगड़ा लग रहा है। अभी भी मैं ना घाट रोड पे ही हूँ, घाट के ऊपर ही हूँ, अभी ये घाट खत्म नहीं हुआ है, और ये ऊपर का कुछ इस तरह से माहौल है यार। और अभी पेट्रोल में माइलेज देख लो भाई कितने का दे रहा है, 18.1, थोड़ी देर पहले ना 18.4 का देख रहा था, बट अभी ये कैसा घाट रोड है ना, तो गाड़ी पावर बहुत ज़्यादा ले रही है, तो अभी 18.1 का दे रहा है, और थोड़ी देर पहले ये 18.4 का दे रहा था, पूर्वांचल पे 19.5 का दे रहा था, अभी तक 20 गया नहीं है ये। मुझे लगा कि सेकेंड सर्विसिंग के बाद 20 तक पहुँच जाएगा, बट अभी तक ये 20 तक गया नहीं है। मुझे लगता है थर्ड सर्विसिंग के बाद अगर हिसाब से चलाएंगे, अगर फिर भी मैं बहुत हिसाब से ही चला था, लेकिन कंटिन्यू मैं भी 100 पे चल रहा था, तो अगर 80 और 90 चलेंगे ना, तो ये 20 पक्का देगी, इतना मुझे पता है कि 20 पक्का देगी अगर आप 80-90 चलोगे तो। अभी मैं कैसा 100 पे, 110 पे, 120, कभी कभी 120 भी भगाया मैंने गाड़ी, इस वजह से माइलेज थोड़ा सा ये कम है, फिर भी ठीक है, 18 का दे रही है तो कुछ बुरा नहीं है, 18.1 का भी माइलेज दे रही है। तो यार अभी फिलहाल नासिक पहुँच गया हूँ, और ये नासिक का फ्लाई ओवर है, ये इतना ज़्यादा सही फ्लाई ओवर है ना कि ये पूरा सिटी क्रॉस करा देता है यार, मतलब आपको ना सिटी में भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा सिटी आपको क्रॉस करा देता है, ये बहुत अच्छी बात है यार। ये वाला ब्रिज हो गया एक ना, कानपुर वाला ब्रिज हो गया, ये दो ब्रिज ना बहुत लंबे हैं यार, बहुत लंबे हैं यार, कोई कोई ना इतना ज़्यादा आराम से चलता है ना, क्या ही बताएं। अभी देखिए ना, स्विफ्ट डिज़ायर लिए हैं भाई साहब, और ये ट्रक वाले हैं, न यही जा रहे हैं न तो यही जा रहे हैं, क्या ही है, इतना आराम से भी चलने की क्या ज़रूरत है भाई, 60 पे चल रहे हैं भाई साहब, या तो फ़ोन पे होंगे भाई साहब, या तो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे, या तो किसी टेंशन में होंगे। अरे यार चलो यार, चलो चलो चलो, इतना हॉर्न मारने के बाद भी कुछ देखते अभी क्या कर रहे थे, क्या दिक्कत है भाई साहब को, भाई फिल्म लगाए फ़ोन पे ही था दिख रहा था मुझे, बाकी ब्लैक फिल्म इतना ज़्यादा लग रहा था कि कुछ अंदर दिख ही नहीं रहा था, बाकी फ़ोन पे था। भाई क्या बवाल गाड़ी है ये कितना धुआं फेंक रही है, अरे यार गाड़ी चलाते हैं लेकिन सर्विसिंग नहीं कराएंगे, है ना। कल सुबह से कंटिन्यू चले जा रहा, रात को मैं स्टे किया था, मतलब स्टे मतलब गाड़ी में ही आराम किया था, लेकिन कंटिन्यू कल सुबह से चले जा रहे हैं, आज ये दूसरा दिन भाई। आज शाम को 6 बजे के पहले अपन पहुंच जाएंगे अपने घर तक, 6 बजे तो मैं बफर टाइम लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा। 3:30 बजे अपन कसारा घाट पे पहुंच गए, बहुत सही चले भाई। यार गांव में ना 5 बजे पूरा अंधेरा हो जाता था, और यहाँ पर देखो अभी कितना 6 बज गए हैं, अभी भी पूरा उजाला है,
यहाँ पर मुझे लगता है अंधेरा होने के लिए ना 7 बजे तक होता है, और वही चीज गांव में 5 बजे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता था। तो ड्राइव करके आया हूँ भाई, अकेले ड्राइव करके आया हूँ 1600 किलोमीटर। रात को मैं गाड़ी में सो गया था, वो अलग बात है, लेकिन 1600 किलोमीटर 2 दिन में मैं ट्रेवल करके आया हूँ। अभी फिलहाल मैं पहुँच गया यहाँ पे बेलापुर। बेलापुर का ये ब्रिज है, देखो यहाँ से लोनावला जाना है ना तो सीधा ही ये रोड जाएगा, आधा घंटा में, आधे या 40 मिनट में आपको लोनावला पहुँचा देगा ये रोड, यहाँ से सीधा जाता है। तो भाई अभी फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ खारघर, मेरा फेवरेट प्लेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खारघर। तो अभी अपन पहुँच गए हैं खारघर, देख रहे हो ये खारघर का ब्रिज है, और ये खारघर इस तरफ पूरा सिटी है, इस तरफ भी है। तो यही है देख लो खारघर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ से हमारे घर का डिस्टेंस जो है ना 10 मिनट लगता है यहाँ से। ये दिख रहा है ये गेट पे, ये खड़ा हो गया ना अभी, गाड़ी पार्क करवा रहा है मेरी, कहाँ पे लगाना है बता रहा है। रुको दिखाता हूँ आपको। हाय, कहाँ पे लगाना है गाड़ी बता दूँ? कहाँ पे लगाना है बता दो, कहाँ पे लगाना है? हाँ कहाँ पे? इधर 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 किधर लगाने का है गाड़ी? इसमें इसमें। अरे भाई इसको सही में पता है अपनी गाड़ी कहाँ पे लगती है। ये देखो ये जो पार्किंग है ना, और इसको पता है कि ये गाड़ी यहीं पे लगती है। तो ये कहाँ पे लगानी बताओ, गाड़ी कहाँ पे लगनी है? यहाँ पे कहाँ पे लगानी है? सही से बताओ कहाँ पे लगाना है गाड़ी? गाड़ी कहाँ पे लगाना है? अंदर। अच्छा तो भाई इसको सब पता है कहाँ पे अपनी गाड़ी लगती है। हाँ नमस्ते करता है क्या? अच्छा मेरे को नहीं करता नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अरे वाह नमस्ते सही है सब पता है इसको। हाँ और भाई इस साइड में देखो क्रिकेट का ना टूर्नामेंट चालू है अभी फिलहाल। ये वीडियो मैं कर रहा हूँ ये भी खत्म। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए।